अगर ये आम आदमी पार्टी सरकार 5 साल और आ गई ना तो दिल्ली को पेरिस बना देंगे, ये दिल्ली की कायापलट हो जाएगी, कायापलट कर देंगे ये। लेकिन इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिसकी कुछ कह नहीं सकते हम। पहले से अवंतिका स्कूल बहुत अच्छा है, केजरीवाल सर ने इतना अच्छा करवा दिया, उनके लिए मैं एक बार जोरदार क्लैपिंग बजवाना चाहूंगा। और जो केजरीवाल सर ने किया है मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमारी जनता जनार्दनों के लिए इतना कुछ किया है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। केजरीवाल ने सबसे बढ़िया काम करा है, जो हमें चाहिए, जो गरीब लोगों को चाहिए वो किसी ने नहीं करा, जो आम आदमी ने करा है। महेंद्र गोयल की भी छवि बेहतर है और केजरीवाल की, ईमानदार आदमी है दोनों, निष्ठा से काम करने वाले हैं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली न्यूज लाइव और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज लाइव में। इस वक्त मैं महादेव चौक पे खड़ी हूँ जो कि अवंतिका और विजय विहार के बीच में पड़ता है। तो आइए चलिए लोगों से जानते हैं यहाँ के जो विधानसभा से जो MLA हैं उनका काम कैसा है। सर, महेंद्र गोयल या फिर कुलवंत राणा, किसका काम ज़्यादा अच्छा था और आप किसको वोट करें? महेंद्र गोयल का काम अच्छा है। उन्होंने ऐसा क्या करवाया है? ऐसे तो काम की वो ये भाई सारी व्यवस्थित आपस में नहीं कर सकते, कंपटीशन में किसने क्या करवा, पर उस हिसाब से आज के टाइम में महेंद्र गोयल का काम ठीक ही है। दिल्ली में आप अच्छा काम कर रही है? कौन सी सरकार? आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में अच्छा काम कर रही है। कौन सी काम उसकी आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित की? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा काम कर रही है, दवाइयाँ, हॉस्पिटल, स्कूल सबका अच्छा हो रहा है। जो पहले आज से पहले नहीं था, हॉस्पिटलों में बच्चे तरसते थे, पानी पीसा, टॉयलेट नहीं होते, सब कुछ होते थे, आज का सब कुछ है, सब कुछ मिल रहा है। 5 साल पहले और अभी में क्या अंतर है? 5 साल पहले और अभी में बहुत फ़र्क है। जितनी भी सरकारें आई, काम किया उन्होंने, लेकिन शिक्षा वगैरह के ऊपर किसी ने भी काम नहीं किया था। जैसे बिजली पानी है और स्कूल है और आपकी ये स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। यहाँ के जो विधायक हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? विधायक जी ठीक काम कर रहे हैं। उनका सबसे अच्छा काम कौन सा रहा जो पिछले विधायक नहीं कर पाए? नहीं, इन्होंने स्टैम्प पे गलियों में गली बनवाई है, नालियाँ बनवाई हैं और गेट लगवाए इन्होंने जो विधायक हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं सबके लिए। गरीबों को भी देख रहे, चारों तरफ हर चीज को वो देख रहे। यहाँ के विधायक है वो कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार इलेक्शन में कौन आएगा? हमारे ख्याल तो वही आने चाहिए, बाकी पब्लिक क्या चाहती है वो पब्लिक को पता है, हमारे तो उन्हें आना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी सरकार 5 साल और आ गई ना तो दिल्ली को पेरिस बना देंगे, ये दिल्ली की कायापलट हो जाएगी, कायापलट कर देंगे ये। लेकिन इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिसकी कुछ कह नहीं सकते हम। सीनियर सिटीजन के लिए जो ये यात्रा अपना तीर्थ यात्रा शुरू की है, बहुत अच्छा किया है। अजमेर के लिए लिखा था, हर घर में जो सीनियर सिटीजन है उनके घर में चिट्ठियाँ जा रही हैं कि आप आओ, आप अपना नाम लिखाओ और यात्रा करो। महेंद्र गोयल का ही रहेगा इस साल। केजरीवाल को देंगे, केजरीवाल को देंगे। पार्टी चल रही है, पार्टी जो है ना केजरीवाल ही आएगा। हमारा क्षेत्र का विधायक बहुत अच्छा विधायक है और हर प्रतिनिधि का काम करता है, कोई भी उसके पास काम लेकर जाता है तो हर एक के काम की समस्या को सुन के और समस्या को हल करता है। आपके क्षेत्र में उनके रहते हुए क्या बदलाव आया? हमारे क्षेत्र में रहते हुए जैसे CCTV वगैरह लग गई, लाइटें वगैरह, स्ट्रीट लाइट, लाइट 24 आवर्स रहती है। और ज़्यादा अच्छा था तो इसका गोयल का जी, इस टाइम उन्होंने ऐसा क्या किया आपके क्षेत्र? सीवर भी लगा दिए जी इन्होंने, सीवर पूरे इसमें विजय बिहार में सीवर लगवा दिए हैं और दूसरी बार पानी की भी दिक्कत बहुत कम होगी, पहले पानी की नहीं थी, पानी भी अब इन्होंने ला दिया है पक्का। किसकी सरकार आने की उम्मीद है? सरकार तो भाई आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए हमारे हिसाब से, अब इसके भी हर आदमी दीवाना ही है इस टाइम। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। आम आदमी पार्टी में जो फेस वैल्यू है वो किसका है, केजरीवाल का है या विधायक का है? केजरीवाल का भी है, विधायक का भी है। किसकी छवि बेहतर है? महेंद्र गोयल की भी छवि बेहतर है और केजरीवाल की भी, ईमानदार आदमी है दोनों, निष्ठा से काम करने वाले हैं। क्या आपके क्षेत्र में किसकी सरकार होगी? हमारे क्षेत्र में तो देखो जी इस टाइम पे तो लोग यही सोच रहे हैं कि जो आप विधानसभा चुनाव आ रहे हैं इसमें आप पार्टी को वो दे रहे हैं समर्थन। विधायक का काम कैसा है आपके क्षेत्र? विधायक का काम अच्छा है, बढ़िया है, व्यवहार अच्छा है, काम भी हो रहा है और ठीक है, इसमें कोई दूर है काम तो अभी फिलहाल तो ये महेंद्र गोयल जी अच्छा कर रहे हैं, बाकी फिर
देखो सरकार इसकी आती है। केजरीवाल ने उससे भी अच्छा काम किया है, जो भी किया है लगभग, हमारा हॉस्पिटल का हुआ, पानी का हुआ, बिजली का बिल का हुआ, काम तो अच्छे हो ही रहे हैं। केजरीवाल सरकार को कितना स्टार देना चाहेंगे आप आउट ऑफ 5? भाई इससे पहले से तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। 5 में से कितना मिलेगा? 5 में से मिलेगा 4 ही मिल जाएगा। 4? हाँ, जो 5 में से 4 ही मिल जाएगा। सर महेंद्र गोयल ज़्यादा अच्छे हैं या फिर कुलवंत राणा? कुलवंत राणा भी अच्छे थे उनसे, लेकिन बेटर ये हैं। क्या वजह है कि आप इनको ज़्यादा पसंद करते हैं? इसलिए कि ये एक ही बार में सुनवाई हो जाती है, बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ते। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होगी? सरकार तो देखो जी, हम तो आम आदमी पार्टी की तरफ ही हैं। हमारे लिए तो दिल्ली सरकार बेहतरीन है, क्योंकि उसमें एक तो दवाइयाँ हैं, सुविधाएं हैं, हर तरह की बच्चों की सुविधाएं हैं, हर तरह सुविधाएं हैं। भाजपा तो एक खाली भाषण घोषणा करती है, झूठे वादे करती है, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। मतलब पूरा रिठाला से लेकर अवंतिका किसी भी सेक्टर में चले जाइए, उनके नाम मतलब मैं सॉरी ये कुलवंत राणा जी का, कुलवंत राणा जी का जो काम है, काम गिनती का कोई भी। ये सर कह रहे हैं कि आप कुलवंत राणा के काम की गिनती बता रहा हूँ। देखिए सर, आप हमें महेंद्र गोयल के काम की रिठाला विधानसभा क्षेत्र के बात करें तो सबसे जो 30% रिठाला बुध विहार विजय विहार में पानी आ रहे थे, उसको 100% पानी पहुँचाने वाला सिर्फ महेंद्र गोयल है। एक मिनट सर सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, 30% से 100% पानी पहुँचाने वाला महेंद्र गोयल जी है। और जो मोहल्ला क्लिनिक है रिठाला विधानसभा क्षेत्र में, 16 मोहल्ला क्लिनिक दे चुके हैं, जो रिठाला गांव में 2 है, बुध बिहार में 3 है, ठीक है। सीवर 104 करोड़ के लागत से पूरा विजय बिहार बुध बिहार रिठाला में डलवाने वाला महेंद्र गोयल है। तीर्थ यात्रा करवाने वाला केजरीवाल है, जो जितना बुजुर्ग हमारे हैं उनको सबको यात्रा करवाई 5-star होटल में, 400-500 जो हर राज्य में पेंशन मिलते उसको 2500 पेंशन करने वाला महेंद्र गोयल है, ठीक है। 15 साल विधायक थे हम, मान रहे पहले का विधायक। फेस वैल्यू किसका है, केजरीवाल का है या महेंद्र गोयल जी? दोनों का है रिठाला में जी, मेहनत तो महेंद्र गोयल का भी है ना, अपने जो क्षेत्र के होते हैं काम वो तो महेंद्र गोयल ही बताएंगे। मैं भी अगर कुलवंत राणा का किया था तो मेरा वोटर आई डी कोई बना नहीं रहता, जब से ये कैरमेश का केजरीवाल आए हैं मेरा वोटर आई डी कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कुछ है, मैं उसके 4 चक्कर काट चुका, आज तक उन्हें सुनवाई कभी नहीं करी। आम जनता से पूछिए, भक्त से मत पूछिए, आम जनता से पूछिए, वो आपको अच्छे से बताएंगे। आप कर रखे ना कुलवंत राणा के राज्य में, ऐसे इससे बढ़िया रोड है, अब पहले तो घटिया रोड थे कि रिक्शे वाले से कहते थे कि बुध बिहार तो हम जाएंगे ही नहीं, बिल्कुल भी जाने के लिए बिल्कुल मना करते थे बिल्कुल ही। यानी कि अब महेंद्र गोयल के काम से कुछ? महेंद्र गोयल ने काम किया है, हर गली में बुध बिहार में आता है वो। केजरीवाल के भी बंदे हैं, केजरीवाल भी अच्छा है, देखो लोगों का पानी भी फ्री कर रखा है, मीटर भी सही थोड़ा सा कर रखा है। तो हम तो ये कहते हैं जो अच्छा आदमी है ना उसी को वोट दो और काम भी करवाओ, काम करवाएंगे तो वोट भी देंगे उसको। महेंद्र गोयल का ज़्यादा अच्छा है काम, सफाई वगैरह भी होती है, जमादार वगैरह सब टाइम से आते हैं, क्लीन है सब कुछ। तो क्या लगता है आगे आने वाले विधानसभा में कौन बनेगा दोबारा से MLA? महेंद्र गोयल ही बनेंगे। महेंद्र गोयल में कहूँगी, ज़्यादा अच्छा लगता है। उनके रहते हुए क्या बदलाव देखा आपने अपनी जगह में जो इतने साल से मिसिंग था? एक तो जो पार्क्स में ओपन एयर जिम लगा है वो काफ़ी अच्छा है, और स्ट्रीट लाइट्स काफ़ी लगी है अकॉर्डिंग टू जो पहले थी, और बाकी वही सब अच्छा है। दिल्ली के अंदर तो वैसे सरकार आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है, और मुझे लगता है कि इस बार भी दिल्ली पार्टी में वही आएगी। आप अभी अंदर ये हॉस्पिटल से आ रही हैं जी, इलाज करवाया आपने, पहले भी आप यहाँ पे आ चुकी हैं? जी मैम, 1 साल हो गए मैम आते हुए यहाँ पे। तो क्या यहाँ जो अभी सुविधा है उसके बारे में कुछ बताइए। जी मैम, यहाँ पे काफ़ी अच्छी, पहले से ज़्यादा अच्छी ज़्यादा सुविधा हो चुकी है, क्योंकि पहले मैम ऐसा था डॉक्टर हमारी सुनते ही नहीं थे, पर्चियों में भी काफ़ी भीड़ होती थी, लेकिन मैम पहले से ज़्यादा अच्छी यहाँ पे सुविधा हो चुकी है। और जो केजरीवाल सर ने किया है मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमारी जनता जनार्दनों के लिए इतना कुछ किया है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। और अब पहले से ज़्यादा बेटर हो चुका है हॉस्पिटल। मैम आप अंदर से इलाज करवा के आई हैं अभी, हाँ। डॉक्टर का व्यवहार कैसा है, सारी दवाइयाँ आपको मिल रही है जो सरकार दावा कर रही है कि वो दवाइयाँ मुफ्त में दे रही है, तो क्या सच में ऐसा हो रहा है? नहीं ठीक है सब, हमारा दवाई मिला आपको फ्री में? हाँ सारी दवाइयाँ मिल गई, हाँ। मेरा टाका भी ठीक हो गया। मैम पहले से सफाई में विशेष ध्यान दिया गया है यहाँ, जो पहले था, पहले बिल्कुल गंद खाना था, बैठ नहीं सकता था आदमी, लेकिन अब सफाई पहले से बहुत ज़्यादा है। और रही दवाई की, हमारा पेशेंट अंदर, अभी तक तो 1 पैसे की दवाई हमने बाहर से ली नहीं है, अब आगे का पता नहीं है। आज सफाई का विशेष ध्यान है, अब पहले जाते थे तो ये लगता था कि सरकारी हॉस्पिटल, अब कोई कह नहीं सकता अंदर जाके सरकारी हॉस्पिटल है। अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद विशेष ध्यान दिया गया सफाई पर।
हॉस्पिटल में देखो सुविधा पहले से बहुत अच्छी है, हर व्यक्ति को दवाइयाँ मिल रही हैं टाइम पर, मुझे तो कहीं गड़बड़ लग नहीं रहा है। मैं तो कई बार हॉस्पिटल गया हूँ, सारी दवाइयाँ मिलती हैं पूरी। 5 साल में इस हॉस्पिटल में क्या बदलाव हुआ है? बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है इसमें, नहीं सभी में बदलाव हुआ है, सबको सब कुछ मिलता है। बाई चांस ना मिले कोई दवाई नहीं है तो वो कहाँ से देगा, दवाइयाँ सब मिल रही हैं। तरफ से हमारे केजरीवाल ने हमारी गलियों में भी कैमरे लगवाए हैं और यहाँ भी क्या कहते हैं हमारे स्कूल में भी कैमरे हैं और सारे जो ड्रेस वगैरह के सबके पैसे मिलते हैं, बुक के भी पैसे मिलते हैं, सारी सुविधा, खाने पीने का सब, टीचर भी सही से पढ़ाते, सब कुछ सही होता है स्कूल में, सब कुछ होता है। यहाँ के महेंद्र गोयल विधायक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है इधर के लिए, इधर के एरिया में सुधार लाए हैं। पहले से स्कूल में बहुत सुधार है, पढ़ाई एजुकेशन में भी, वो बेंच पढ़ाई लिखाई टीचरों में सब कुछ में। केजरीवाल जी जो दावा करते हैं कि मैंने स्कूल बदल दिए, हाँ सच में बदला है, सब कुछ जो बोले सब कुछ हो रहा है स्कूल। बहुत अच्छा काम कराया है उन्होंने और यहाँ की जो नालियाँ हैं सड़कें हैं वो बहुत अच्छी बनाई हैं महेंद्र गोयल जी ने हमारे यहाँ के विधायक है रोहिणी अविंद का सेक्टर 1 के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पहले से अवंतिका स्कूल बहुत अच्छा है, केजरीवाल सर ने इतना अच्छा करवा दिया, उनके लिए मैं एक बार जोरदार क्लैपिंग मचवाना चाहूँगा। अभी तक तो यही गुंजाइश है कि शायद आम आदमी पार्टी की बनेगी, हाँ ज़्यादातर वोट जो हैं वो आम आदमी पार्टी के ही हैं। पिछली बार भी जितने ज़्यादातर वोट पड़े थे यहाँ का जो विधायक महेंद्र सिंह है वो आम आदमी पार्टी के ही हैं। आम आदमी पार्टी जो तमाम तरह के दावे कर रही है कि उन्होंने कैमराज लगवाए हैं, स्कूल में अच्छी शिक्षा देने की प्रयास किए, तो इस सारे दावे में कितनी सच्चाई है? काफ़ी हद तक सच्चाई है। बिजली के बिल उन्होंने कहा था नहीं बढ़ेंगे, वो नहीं बढ़े बिल्कुल, पानी के बिल नहीं बढ़े, किसी चीज़ में वो नहीं हुआ। आपने देखा वो उन्होंने जो बस सर्विस है लेडीज़ के लिए वो भी फ्री कर दी है, तो इस मामले में काफ़ी खरे उतरे हैं अपने हिसाब से। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, केजरीवाल ने कोई भी ऐसा जो वादे किए थे उनसे मुकरे नहीं है वो। ये विधायक जो है पहले कुलवंत राणा भी ठीक थे और ये भी अच्छे आदमी है, लेकिन आएगी आम आदमी पार्टी जो है काम केजरीवाल अच्छा कर रहा है। पर इस जगह को कुलवंत राणा का गढ़ माना जाता है? कुलवंत राणा का गढ़ माना जाता था किसी जमाने में, समझे जी, लेकिन बाकी सब एरिया जो है महेंद्र गोयल के ही बनाए हुए हैं। हमें तो यही लग रहा है केजरीवाल जी, आप ही लग रहे हैं। आप बताओ महेंद्र गोयल जी रीजन क्या है महेंद्र गोयल का आने का? रीजन तो जी केजरीवाल सरकार ने अच्छा काम किया है, बढ़िया, बहुत ही स्कूलों में, हॉस्पिटलों में। और फेस वैल्यू किसका है, केजरीवाल का है या फिर महेंद्र गोयल का है? महेंद्र गोयल भी नंबर वन विधायक है हमारे क्षेत्र के, बुरीठाला विधानसभा, पहले पूरी दिल्ली में नंबर वन विधायक रहे हैं। मैडम यहाँ जो है ना कोई काम बकाया नहीं है, जो बोले गए थे सारे काम हो रहे हैं। ये सीवर लाइन का ढक्कन रहा, सीवर लाइन तक जो 70 साल में दोनों खाते रहे, कांग्रेस भी बीजेपी भी, सारे काम हो गए, कैमरे लगे हुए, पानी आ रहा है, ठीक है, सारे काम हो रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम बकाया नहीं है, ठीक है। अब जात के जब तक भी कोई जो है वहाँ कंप्लेंट करेगा जब भी तो दरवाजे लगेंगे, या घर बिठा के जो है जबरदस्ती दरवाजे लग जाएंगे। केजरीवाल का काम बहुत अच्छा है जी, केजरीवाल ही मुख्यमंत्री के रूप में फिर दोबारा आना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और आपके क्षेत्र में विधायक के रूप में आप किसे चाहते हैं? विधायक के रूप में भी गोयल ठीक है, वही गोयल को आना चाहिए, और केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी है, उससे बढ़िया हमें कोई नहीं लगा अभी तक, कोई नेता नहीं लगा। विधायक का काम कैसा है? केजरीवाल जीत गए, क्यों, क्या वजह है केजरीवाल की? ये सारे काम हमारे सब फायदा दे रहा है भाई, बिजली से, पानी से, नहीं काम बहुत हुआ है जितना होना चाहिए। क्या गेट लग गया, सीवर डल गए और बिजली फ्री है, नहीं डला है। सिर्फ रोड बनवाया था, इसके अलावा कुछ नहीं कराया, नाली बना के गंद बना दिया पूरे मोहल्ले को, नाली बना के। मैं फटाफट करूंगी, कुलवंत राणा या फिर महेंद्र गोयल, 5 स्टार 5 स्टार में से कितना स्टार? महेंद्र गोयल या कुलवंत राणा? 4 स्टार है महेंद्र गोयल। मैं यहाँ पे फटाफट एक चीज करूंगी, महेंद्र गोयल या कुलवंत राणा, 5 स्टार में से आपको कितने स्टार देना है और नाम बताना कि किसको दे रहे हैं? कुलवंत राणा या महेंद्र गोयल? आम आदमी के, हम जैसे लोगों के लिए तो सबसे ज्यादा काम करा है तो महेंद्र गोयल ने करा है, केजरीवाल ने, हम तो पूरे देना चाहते हैं, पूरे 5 स्टार। हाँ जी, हम भी पूरे देना चाहते हैं। पूरे किसको देना चाहते हैं? महेंद्र गोयल 5 स्टार। हाँ जी, महेंद्र गोयल कितना स्टार?
पूरे 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 हम भी महेंद्र गोयल केजरीवाल ने सबसे बढ़िया काम करा है, जो हमें चाहिए, जो गरीब लोगों को चाहिए वो किसी ने नहीं करा, जो आम आदमी ने करा है। बस जो हम तो ये कहते हैं कि आम आदमी आए और सब कुछ आगे जैसा चल रहा है आगे वैसा ही चलता रहे। आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम चाहते हैं आगे भी ऐसे करते रहे। और किसी पार्टी ने इतना अच्छा काम नहीं किया है जितना आम आदमी पार्टी ने किया है। दवाइयाँ फ्री हैं, ये मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, केजरीवाल केजरीवाल का ही काम बेस्ट है। आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया जो केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल कर रहा है जो आज तक किया है वो सब बेस्ट किया है। 5 साल हो गए, 5 साल से सब कुछ फ्री चल रहा है। क्या लगता है इस बार कौन आ सकता है? इस बार केजरीवाल ही आएंगे, फिर से केजरीवाल आएंगे तो केजरीवाल ही, और उसकी कोई नहीं लिए तो केजरीवाल ही ठीक है। वो तो केजरीवाल ही है। केजरीवाल और विधायक के रूप में आप किसे चाहते हैं? केजरीवाल को। विधायक महेंद्र गोयल। महेंद्र गोयल जी। सर आप बताइए। महेंद्र गोयल सर। बिल्कुल ठीक है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली न्यूज़ लाइव और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।